विचार करियो हमारे पिताजी ने गले में सर्पकुंड डालियो उन समस्या से लोग बतायो आप पर आटे एक महाराज परीक्षित हस्तिनापुर सु महाराज परीक्षित जी आया और परीक्षित जी आए प्राण इन प्रकाश परीक्षित जी प्यास लागू ही राजा ने लेकिन महाराज तो ध्यान साधना बैठा मैं पानी की कुछ मांग करी और माने गुस्सा आ गयो इन कारण सो बैठे आटे मरियो वो सर्प आप पर पिताजी ने महाराज गले में डालने चला गया। हाँ बात सुनी तो बैठे शिष्य रेव ने गयो शिष्य ने बड़ो क्रोध आ गयो और झारी में सुजड़ दियो अभिमंत्रित कियो और कर बड़ो गुस्से में गुस्से ने श्राप दे दियो हे राजन ते आज मार पिताजी को अपमान करियो मरियो वो सर्प मार पिताजी गले में डालियो जा आज सात दिन बाद में तेरा तक्ष नाग डस जावेला और तेरी मृत्यु हो जावेला इन प्रकाश श्राप दे दियो सात दिन बाद में तक्ष नाग डस पर मृत्यु हो जावेला इन प्रकाश श्राप राजा परीक्षित जी ने मिल गया। हमें राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा परमात्मा है लेकिन एड़ बड़ो धर्मात्मा राजा ने जब श्राप लागो ऋषि मुनिया ने जब पतो चलियो पतो यू चलियो यू ही महाराज पल खोली सामने आप शिष्य आप पुत्र शिष्य खड़ो है कि बेटा कई बात उदास क्यों उन समय पुत्र क्यों गुरुजन महाराज पिताश्री एक राजन आयो आए प्रो आप घर में मले वो सर्प डाल दियो इन कारण सो मैं भी बटे गुस्से में आप प्रो मेरे श्राप दे दियो आवेश में आप प्रो मने वो एडो काम नहीं करना चाहिए श्राप नहीं देना चाहिए लेकिन राजा ने श्राप तो मैं दे दियो अब करनो कहीं जो मने भी डर लगे राजा है कहीं कुछ और कहीं नहीं कर देवे तो राजन विचार ध्यान कर देखियो कौन आयो कहीं हो उन समय महाराज ध्यान कर देखियो अरे विचार करियो अरे यहाँ पर नगर को राजा प्रेक्षित और धर्मात्मा राजा पांडव कुल में और जिन गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया बड़ा धर्मात्मा राजा माने श्राप तो बड़ो श्राप सात दिन में बेटे ने समझे बेटा देखो संत ऋषि ने कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और ऋषि ने क्रोध आ जाओ तो बड़ो विनाश हो जाया करे और आप बड़ो गलत काम कर दियो चलो बेटा कोई बात नहीं अब हुए सो हो गए और श्राप ला के बिना टाल दे सके लेकिन राजा ने समाचार तो दे दो जार कहो तो श्री कि राजा आज ने सात दिन बाद में तक्ष नाग डसेला और नाग डसे सो तेरे मृत्यु हो जावेला यदि बात आप समाचार दो जद समाचार राजा कहने पहुंचे तो राजा पूरे नगर में फैला दी क्यों राजा बड़ा खुश हुआ क्योंकि बड़ा भगवान भक्त